अस्सलामुअलैकुम, आपका होस्ट नूर खान। आप जानते हैं कोरोना जैसी वबा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इसकी वजह से हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दी और हज़ारों खानदान बर्बादी के लपेट में आ गए। हमारी कौम इस मुतल्लिक क्या सोचती है हम जानते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कोरोना है ही नहीं, और कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना है, इससे बचें। हमारी कौम इस मुतल्लिक क्या सोच रखती है, आए उनके पास चल के उनसे पूछते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटी रोड पर, यहाँ पे भाई फट्टा लगा के बैठे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इनसे पूछते हैं कि कोरोना की वजह से क्या असरात इनके कारोबार पे पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल आपका? अल्लाह का करम है सर। अच्छा, मुझे बताइए कि जब से कोरोना आया, कोरोना की वजह से काफी कारोबार के हालात खराब हुए हैं, आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा? बहुत सारा असर पड़ा हमारे कारोबार में। देखे सड़क पे बैठे हुए, मजबूरी है, क्या करें। 8 बजे वैसे लॉकडाउन लग जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाती, दुकानें बंद करा देते हैं, शॉप बंद करके बैठे हुए बाहर, मजबूरी रोटी खा कमा रहे बच्चों के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब जिस तरह गवर्नमेंट के अहकाम आते हैं कि 8 बजे बंद किया जाए कारोबार को, जब पुलिस बंद करवाने के लिए आती है, उनका रवैया कैसा होता है आपके साथ? बहुत तलखी बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना काउंटर जो कुछ भी आप बंद कर दें अपनी, आप ये आपको कानूनी नहीं है कि ये बल्ब चलाने के लिए, बिल्कुल बंद कर दें आप। मुझे ये बताएं, जो 8 बजे का टाइम किया गया, ये ठीक किया गया? नहीं सर, ये नहीं सही किया गया। ठीक, अच्छा, कोरोना SOP को फॉलो नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं कर रहे? मास्क किधर है आपका? मास्क इस टाइम जी मेरे पास नहीं है, ये देखिए लगाया। अच्छा, पास हाथ में पकड़ा हुआ, लगाया क्यों नहीं है इसे? क्योंकि आप भाई गैदरिंग में बैठे हुए हैं। मिल्क शेक पी रहा हूँ सर। मिल्क शेक तो आप पी रहे हैं, लेकिन आप गैदरिंग में बैठे हुए हैं। सर मैं मिल्क शेक, मैं क्या मास्क के अंदर से पीऊंगा? जब आजिएगा तब आप पी लेना, अभी तो आप फारिग बैठे हुए हैं, आप बातें कर रहे हैं। चले जी, मैं मास्क पहन लेता हूँ। पहने मास्क ना, मास्क पहना, आप मास्क पहने। मुझे ये बताएं कोरोना है? कोरोना कुछ नहीं, नहीं कोरोना नहीं कुछ, बस आओ पाया 8 बजे आ जाए भाई, बार आज जल्दी करो, बंद करो, खोलो, बंद करो, फिर पुलिस वाला आ जाए, बंद भाग जाएगा। सारा दिन तो गर्मी है, शाम का टाइम काम का टाइम हो जाए, उस टाइम पुलिस वाला आता है, तंग कर रहा है यार, की करो। देखें जो कोरोना SOP दी गई है उनको भी तो नहीं ना लोग फॉलो करते? नहीं यार, तो कुछ नहीं है, बस पता नहीं। देखें एक चीज है जो वबा पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में हालातें हो रही हैं। गरीब लोग की करवाए, गरीब लोग क्या करवाए, गरीब लोग क्या करें, गरीब लोगों को टाइम दिया गया है ना 8 बजे का, तो फिर उससे पहले पहले काम करना चाहिए ना उन्हें भी। गर्मी है, सारा दिन गर्मी टीम है, दिन का टाइम गर्मी है, शाम रात का टाइम काम का टाइम, रात को तो सारे कारोबार बंद हो जाते हैं ना, तो रात को तो सारे कारोबारों ने बंद होना। 8 बजे का टाइम हो जाए, वो काम का टाइम हो जाए, वो मजदूर लोग आता है या कोई गरीब लोग आता है, या शूज लेना है या शर्ट लेना है। आपके ख्याल से क्या ये टाइम ज्यादा होना चाहिए? टाइम ज्यादा होना चाहिए, या इतवार वाला दिन तो खैर कोई काम नहीं, 10 बजे का बात करो, देखा वो भी खत्म होना चाहिए, खत्म होना। नाज़िर इनका कहना था जो इतवार और हफ्ता छुट्टी होती है ये नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतवार की होनी चाहिए। आपके ख्याल से कोरोना है? हाँ, मखा होगा, ये तो नहीं होगा कि नहीं होगा, लाजमी होगा कोरोना। जो SOPs को दी गई हैं उनको तो कोई भी नहीं फॉलो कर रहा। तो सर जी आपको पता है, कोई कहता है कि यार है सरकारी दफ्तरों में भी जाओ, किसी ने लगाया हुआ, किसी ने नहीं लगाया, हिफाजत मतलब सरकारी दफ्तरों में भी नहीं लगाया हुआ कई लोगों ने, किधर लगाया, हम कचहरी पे कल जाओ, आधा लगाया आधा नहीं लगाया। जी नाज़िर इनका कहना है जी सरकारी दफ्तरों में हम जाते हैं उधर लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया हुए, जैसी बात है हुकूमती अदारे जब मास्क नहीं लगाएंगे तो ये आवाम कैसे मास्क लगाएगी। इसी के साथ चलते हैं किसी और के पास। अच्छा मुझे ये बताएं जो कोरोना वबा है, ये वबा है कि नहीं है? भाई आप इस चीज़ से दरामद हो, मुझे पहले ये बताओ कि कहाँ पे कोरोना है? आप मुझे पूरी दुनिया में अजाब आ रहा है, पूरी दुनिया में लोग आ रहे हैं, तो फिर आप ये बताएं कि इधर नहीं है? हर जगह पे कोरोना है, कहाँ कहाँ पे कोरोना है, जहाँ पे SOP रखी हुई बातें कर रहे हो, सारा हर बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, हर बंदा कह रहा है कोरोना का, कौन कहता कोरोना, और कोरोना होता तो आप SOP दरामद करते हर जी हर मार्केट। आपके कहने का मतलब ये है हर मार्केट कहाँ से खोली है? सिर्फ फूड पॉइंट जाके हर रोड देखो, फिर सेंटर देखो। आपके कहने का मतलब है कि सारी मार्केट खोली है, इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही इस बारे में? इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही, क्या कर रही है अब हमें साबित करके बताओ, हमें पता लगे। जी नाज़िर इनका कहना है कि इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, इंतजामिया सोई हुई है, दुकानें सारी खुली हैं आज भी, हफ्ते के रोज भी, जबकि हफ्ता और इतवार बंद किया गया करने को।
लेकिन आप मुझे बताएं आप ये चीज काउंट करो, आपके सामने हर एक बंदा अड्डे लगा के बैठा है, हर बंदे किस किसी ने मास्क डाला है, किस बंदे ने मास्क डाला साबित करके दिखाओ मुझे। मास्क तो किसी ने नहीं डाला, मैं भी यही बात उनसे कह रहा हूँ कि मास्क क्यों नहीं लगाया उन्होंने। मास्क हमें चाहिए, मास्क लगाना हम लगाते हैं, जहर सी बात एहतियात करनी चाहिए हमें, हर इंसान के लिए एहतियात बेहतर होती है, लेकिन लोग एहतियात नहीं कर रहे। एहतियात कर रहे क्या करना चाहिए लोगों को? लोगों को करना चाहिए अपने घरों की तरफ देखें, बच्चों की स्टडी देखें, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, हर बंदा इंसान बैठा हुआ घर कमाने के लिए बैठा हुआ ना, बंदा घर बैठ के क्या करेगा, घर बैठ कर तो कुछ। अच्छा आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कर रहा यार। नहीं कर रहे आप स्टडी, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स? मैं भाई यही कहूंगा कि हर इंसान को अपने भले के लिए, हर इंसान को माँ बाप बेटे भाइयों के लिए यही सोचना चाहिए, अगर कोई बाहर बैठा हुआ है रिजक कमाने के लिए बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हूँ रिजक कमाने के लिए बैठा, लेकिन खुद को सोचो यार, अपना करियर इतना तबाह करो, आपकी मेहरबानी। अच्छा मुझे बताएं हुकूमत को क्या कहेंगे आप? हुकूमत को मैं यही कहूँगा आपकी मेहरबानी है, इंसान को अपने हाल पे मत छोड़ो, इंसान को खाने पीने के लिए अशिया तो पैदा करने दो, खाने पीने के लिए हर बच्चा बीमार है, हर इंसान बीमार है, किसी से बीमार है, कोरोना से बीमार है। अच्छा मुझे ये बात बताएं, जो वो 8 बजे के अहकाम दिए गए हैं बंद करने का दुकान है, जब पुलिस वाले आते हैं कैसे क्या क्या लहजा होता है उनका? भाई उनका लहजा यही होता है कि मार्केट को बंद करो, प्यार से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुस्से से बोलते हैं, लहजा नरम होना चाहिए, नरम होना चाहिए, अगर नरम होता है तो फिर तो आप बात ही नहीं मानेंगे। जहरी बात है, वो कह रहे हैं बंद कर दो, फिर बंद करनी बनती हमारी। जी नाज़रीन, इनका कहना ये है कि कोरोना है भी और हम एहतियात नहीं कर रहे, मार्केट्स खुली हैं हफ्ते के रोज़ भी, क्यों? इंतज़ामिया किधर है? इंतज़ामिया को कौन होश दिलवाएगा, कौन इस बीमारी से बचाएगा लोगों को? एहतियात करना और करवाने में बहुत फ़र्क है, कुछ लोग कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। मिलते हैं किसी और व्यूअर्स के साथ, आए चलते हैं और किसी के पास। तो वैसे कोरोना की वजह से क्या इफेक्ट पड़े हैं आपके काम पर? बहुत सख्त। और जब से उन्होंने ये भी कह दिया कि आप 8 बजे के बाद बंद कर दें दुकानों को, तो आपको भी कहते हैं जब पुलिस वाले आते हैं तो कैसा लहजा होता है उनका आपके साथ? बहुत बुरा लहजा होता है, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं आपके साथ। तो क्या करना चाहिए उनको? प्यार से बात करनी चाहिए आपके साथ, वो प्यार से कुछ लोग मानते भी नहीं ना। नहीं मानते हैं, मानते क्यों? नाज़रीन हमने देखे यार लोगों के व्यू, कुछ लोगों का कहना था कोरोना है, कुछ का कहना था नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर है भी तो हमें इससे हिफाजत करनी चाहिए, नहीं भी है तब भी हमें हिफाजत करनी चाहिए, क्यों? ये हमारी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने SOPs बनाया, हुकूमत के अहकाम को हमें मानना चाहिए। कुछ ये है कि हुकूमत के अहकाम को नहीं माना जा रहा, अदारे मेरा ख्याल है सो रहे हैं, जबकि इनको अपना काम करना चाहिए। बहरहाल उम्मीद है ये अपना काम करेंगे, हमें अपना ख्याल रखें, समाजी फासला रखें, SOPs को मानें, उसको फॉलो करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।